हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड फन लाइफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ एंड फन लाइफ में। आज की रेसिपी हम देखेंगे पालक पनीर की, और ये बहुत ही सिंपल है, इजी वे में मैंने बनाने की कोशिश की है इसे, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं पालक के पत्ते, इसे साफ कर लिया है और अभी इसे अच्छी तरह से धो के लेना है और इसके बाद इसे बॉईल करके लेना है। ये सबसे पहला प्रोसेस पालक का ही है, तो पालक को हमको रेडी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको अच्छे अच्छे पत्ते चुन के लेने हैं, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं बीच में पत्ते, तो वो देख के आपको लेने हैं और फिर साफ़ कर लेने हैं। तो मैं इसे अभी वॉश कर लूँगा अच्छी तरह से 2-4 बार पानी में, और उसके बाद इसे मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पालक अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अभी इसके अंदर जो पानी है इसे मैं छान के पालक को अलग कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पालक बॉईल हो चुका है, अभी इसे छान भी ले लिया है, तो अभी इसे ठंडा करना है और अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर जब आ जाएगा तो इसे मिक्सी जार में डाल के इसे पीस के लेना है। तो यहाँ पे अपना पालक का पेस्ट पीस के रेडी हो चुका है, अभी आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है, अभी कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल के बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें 1 कटोरी चॉप किया हुआ प्याज यानी कि ओनियन। ओनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक वो हल्का हो जाए, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। अभी प्याज अभी भुनी रहा है तो इसके साथ साथ मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी 2 टीस्पून के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि अच्छा सा स्वाद आ जाए, अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छे से अदरक लहसुन पेस्ट अपनी भुन जाए, क्योंकि अदरक लहसुन पेस्ट तो हम कच्चे अदरक और लहसुन की बनाते हैं तो उसे भुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसको 1-2 मिनट लग जाएगा अच्छी तरह से भुन के हो जाएगा। तो इसमें ऐड करना है टमाटर, टमाटर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि पालक का जो टेस्ट होता है उसके लिए थोड़ी सी खटास होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसमें मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा टमाटर ऐड करूँगा ताकि टेस्ट अच्छा आ जाता है। आप भी इसे एक बार ट्राई करके देखें, आपको भी अच्छा ही लगेगा। अब इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप जिस चीज़ में डालते हैं उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी इसे हाथ से ही मैं क्रश करके डाल रहा हूँ। और अभी इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके टोमेटो सॉफ्ट जल्दी हो जाए इसलिए मैं इसके ऊपर ढक्कन रख रहा हूँ। तो इसे मैंने 1 मिनट के लिए बराबर पका लिया है और आप देख सकते हैं कि टोमेटोज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इसमें बारी है मसाले ऐड करने की, तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला बहुत इंडियन डिशेज में बहुत स्वाद लाता है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला कलर भी देगा और स्वाद भी बढ़ाएगा, ये क्योंकि मैं सिंपल रेसिपी दिखा रहा हूँ तो ज़्यादा मसाले नहीं है। और उसके बाद मैं ऐड कर रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये कलर वाला लाल मिर्च पाउडर है, ज़्यादा तीखा वाला नहीं है। सभी मसाले ऐड हो जाने के बाद इसे भी अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि तेल के ऊपर थोड़े से मसाले भून जाए, ये भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी तो स्वाद आ जाता है कोई भी डिश में और डिश टेस्टी बन जाती है। तो मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, अभी इसमें डाल रहा हूँ मैं पालक का पेस्ट जो मैंने पीस के लिया था, और अभी इसे चलाना है। अभी इसमें पानी इस वक्त पे आपको ऐड नहीं करना है, अच्छी तरह से भून जाए पालक। दोस्तों, ये पालक बॉईल करके आप रख सकते हैं इसे डीप फ्रीज में, अगर आपको स्टोर करना है, आपको आसानी से पालक नहीं मिलता है, तो इसे बॉईल करके पीस के आप डीप फ्रीज में 1 हफ्ते तक इसे रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से पालक को भून लिया है, थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लिया है। अभी इसके ऊपर मैं ढक्कन रख रहा हूँ ताकि अच्छा सा स्टीम हो जाए एक बार सभी मसाले और मिक्स हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सा बॉईल आ गया है अपने पालक मसाले को।
मैं इसे एक बार अच्छे से चला रहा हूँ। अभी इसमें ऐड करना है अपने टेस्ट के, अपने हिसाब के मुताबिक आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने जिस जार में पालक का पेस्ट लिया हुआ था वही मैं धो के उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी मिक्स करके इसमें डाल रहा हूँ। पालक पनीर की सब्ज़ी ऐसे नॉर्मली तो बहुत पतली नहीं होती है, थोड़ी सी जाड़ी मतलब थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की होती है, ताकि आप रोटी के साथ, पराठे के साथ इसे परोस सके। अभी इस वक्त आपको इसमें नमक ऐड कर लेना है, अपने स्वाद अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं नमक। इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और हल्का सा चला लीजिए ताकि इसमें बॉयल आ जाए। तो अभी ये पालक बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ पनीर के टुकड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे अभी इसमें ऐड कर लेना है। अभी इसे हल्के हाथों से चला लीजिए ताकि ये मिक्स हो जाए, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसे प्रेशर मत लगाए नहीं तो पनीर टूट जाएगा अंदर ही अंदर। अब इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं बटर यानी कि मक्खन एक चम्मच के करीब। ये आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बटर ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने ढक्कन रखा था, हल्का सा पकने दिया था इसे, तो ये अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं एक मिनट के करीब इसे मैंने पका लिया है। अब इसे इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा घी टेस्ट के लिए। घी डालने से सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, आप एक बार इसे भी ट्राई करके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, लीजिए अपनी क्विक इजी सिंपल पालक पनीर की सब्ज़ी। स्वादिष्ट सब्ज़ी रेडी है सर्व करने के लिए, और ये एग्जैक्ट और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनी हुई आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और इसे शेयर कीजिए अपनी सोशल मीडिया पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन पे हिट कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।